कास्ट आयरन कढ़ाई कलेक्शन। ये कढ़ाई 8 इंच डीप कढ़ाई है, ये 10 इंच सुपर स्मूथ कढ़ाई है और ये दोनों लार्ज कढ़ाई है। ये 2.5 लीटर है और ये 3 लीटर की है। और ये तवा 11 इंच है और ये 10 इंच डोसा तवा, कास्ट आयरन डोसा तवा। और ये ग्रिल पैन है और ये फ्राइंग पैन है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरी पूरी कुक स्पॉट फैमिली स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खुश रहें, बस यही मेरी अभिलाषा है। फेस्टिवल सीजन स्टार्ट है और ढेर सारी रिक्वेस्ट हैं, क्योंकि दीपावली में खरीदारी तो करनी है, चाहे बड़ी हो या छोटी, और कुछ नहीं तो एक बर्तन किचन के लिए तो हम लोग जरूर खरीदते हैं। तो मेरे बहुत सारे व्यूवर्स हैं जिनको शॉपिंग करनी है किचन कुकवेयर, तो मुझे रिक्वेस्ट है कि मैं कास्ट आयरन कुकवेयर कलेक्शन दिखाऊं और उनके बारे में डिटेल्स दूं। तो आज यही रिक्वेस्ट पूरी करने वाली हूं मैं। तो आज का जो रिक्वेस्टेड वीडियो है वो कास्ट आयरन रेंज के लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि कास्ट आयरन को कैसे मेंटेन करते हैं और कास्ट आयरन बर्तन खरीदते वक्त आप किन बातों का ध्यान रखें, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, एक खास बात, आज का ये वीडियो कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ये मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ शेयर करने वाली हूँ और इसलिए मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके बहुत काम आएगा। और इसीलिए आज अभिलाषा ये सारी बारात निकाल के रखी हुई है। अभी एक साल पहले लास्ट ईयर दिवाली में मैंने एक वीडियो शेयर किया था, मेरा स्टेनलेस स्टील कुकवेयर कलेक्शन, और उसमें गिलट की कढ़ाई को भी मैंने सारा डिटेल एक्सप्लेन किया था। वो वीडियो सबने बहुत पसंद किया और उसी वीडियो में कमेंट्स हैं कि अपने और कलेक्शन दिखाएं। कास्ट आयरन कढ़ाई है मेरे पास 4 तरह की और 2 कास्ट आयरन तवा हैं और एक फ्राइंग पैन है, एक ग्रिल पैन है। कास्ट आयरन इन दिनों हर कोई यूज करता है और यूज करना चाहिए, और जो नहीं करते हैं वो करना चाहते हैं। एक्चुअली हेल्दी कुकिंग के लिए कास्ट आयरन से बेस्ट कुछ नहीं है। लॉन्ग लास्टिंग देखा जाए तो कास्ट आयरन से बढ़कर कुछ भी नहीं है। आपका कोई और भी कुकवेयर खराब हो सकता है, कास्ट आयरन में कुछ भी खराब होने का काम ही नहीं है। वो हर बार आपको कुछ देगा, आपका नुकसान कुछ नहीं होगा, फायदा ही होगा। हेल्थ बेनिफिट्स अगर हम देखने जाए ना, शुरू करें तो कास्ट आयरन में ढेर सारे हैं और मुझे पता है आप सभी लोग जानते हैं। इन शॉर्ट, आयरन की जो कमी है, जो बच्चे हों या बड़े, कास्ट आयरन में कुकिंग करेंगे ना तो डेली आपको थोड़ा 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 खाने मिलता है, तो वो कमी आपकी पूरी होती है। दूसरी चीज कि आप जो नॉर्मल आयरन कुकवेयर यूज करते थे या करते हैं, उनमें और कास्ट आयरन में क्या फर्क है। कास्ट आयरन की ये कढ़ाई, ये मेरी किचन की रानी बन चुकी है, महारानी कहा जाए तो भी चलेगा। जब से ये मेरे पास आई है 1 साल हो गए, दीपावली के टाइम पर ही आई थी मेरे पास, 1 साल हो रहा है। मैं अगर कुकिंग करना हो सबसे पहले इसको उठाती हूँ। फर्स्ट ये कि साइज छोटा है, हमारे मेंबर्स 3 रह गए हैं, तो क्वांटिटी कम हो खाने के लिए बढ़िया, लेकिन सफिशियंट बनती है, मजे की, मतलब बचता है खाना जो बनता है घर में। फिर देखो ये डीप फ्राइंग के लिए बहुत अच्छा है। मेन पर्पजली मैंने इसको लिया था डीप फ्राइंग के लिए, क्योंकि ये इसका जो शेप है वो बाउल शेप है, डीप कढ़ाई है, 8 इंच कढ़ाई है, और इसमें जब मैं तेल डालती हूँ, जैसे पूरी भटूरे जब भी मुझे फ्राई करने होते थे, मेरी बड़ी वाली जो कढ़ाई है उसमें तेल फैल जाता था। जब हम पूरी या भटूरे डालते हैं तो जैसे हम कलछी लगाते हैं तो हम चाहते हैं कि पूरा फूल जाए, लेकिन जब वो फूलता था लेकिन वो हाफ में तेल से ऊपर रहता था। इसमें क्या होता है, ये डीप होने की वजह से तेल भरा रहता है, तो जैसे पलटा फूला पूरा वो गोल गोल नाचने लगती है पूरियां। ये डीप फ्राइंग के लिए तो अच्छी थी ही, अच्छी है, लेकिन फिर धीरे धीरे मुझे कुकिंग की भी इसमें आदत ही लग गई। आयरन की जो कढ़ाइयां होती हैं उनमें अगर आपने खाना बनाया, खाना बनाने के बाद 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा छोड़ दिया कढ़ाई में ही सब्जी, तो आपने हमेशा नोटिस किया है कि सब्जी का टेस्ट चेंज हो गया है, उसमें आयरन
स्वाद में आ रहा है, फील कर रहे हो आप, प्लस उसका कलर पूरा चेंज हो जाता है सब्जी का। कास्ट आयरन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। लगातार मुझे कमेंट्स आते हैं जब भी मैं रेसिपीज शेयर करती हूँ, इस कढ़ाई में कुछ भी कुक करती हूँ मैं, व्हाइट बनाऊ, सपोज पोहा है लाइक, और भरता है, बहुत सारी चीजें, अगर मैंने कोई रेड बनाई है तो रेड ही रहती है, अगर कोई व्हाइट सूजी का हलवा भी अगर इसने बनाएंगे तो वो व्हाइट ही रहेगा, मतलब कि सूजी जैसी है, अपने ब्राउन भूनी है तो ब्राउन रहेगी, व्हाइट भूनी है तो दूध वाला बनाया तो वो व्हाइट ही रहेगा। इट मीन्स कि इसमें कलर चेंज नहीं होता, टेस्ट चेंज नहीं होता, जैसा आपका खाना स्टील के बर्तन में पकता है वैसा ही इसमें पकेगा टेस्ट वाइज, लेकिन उसमें आयरन रहता है। यही चीज है कास्ट आयरन और नॉर्मल आयरन के कुकवेयर में डिफरेंस। इसीलिए अब लोग इसको प्रेफर करते हैं, क्योंकि बच्चों हों या बड़े, अगर टेस्ट आ जाता है आयरन का तो फिर थोड़ा सा नाक मुंह बनाते हैं ना बच्चे और बड़े, और कलर चेंज हो जाता है तो फिर हमें अच्छा नहीं लगता है कि सब्जी का तो पूरी रंगत ही खराब हो गई। इसमें ऐसे कोई इशू नहीं होती, ना सिर्फ इस कढ़ाई में कि मैंने इसको पकड़ के ऐसा बताया, कास्ट आयरन की चाहे ये कढ़ाई हो चाहे वो कढ़ाई हो, कास्ट आयरन का कोई भी बर्तन आप लेते हैं तो उसमें कलर चेंज नहीं होता और टेस्ट में फर्क नहीं आता। अब दूसरी बात होती है कि कास्ट आयरन का आपने देखा मेरे पास यहाँ 8 रखे हुए हैं, 2 तवा, फ्राइंग पैन, कढ़ाई वगैरह, किसी भी बर्तन के पीछे कोई लेबल नहीं है, कोई मार्क नहीं है। जैसे कि स्टेनलेस स्टील में होता है कि आपने जो भी ब्रांड लिया, हॉकिंस है, विनोद है, इंडस वैली है, प्रेस्टीज है, कोई भी आपने लिया, आपने हमेशा, या फिर संजीव कपूर जी का जो ब्रांड है उसमें भी शुरू हुआ है, न्यू लॉन्च है स्टेनलेस स्टील, कितने भी हैं, सब में पीछे उनके ब्रांड नेम है। कास्ट आयरन में क्या है कि ब्रांड नेम कहीं पर भी नहीं मिलेगा आपको ज्यादातर, मतलब मैंने जो देखे हैं, जो मेरे पास हैं, मैं ये भी एक्सप्लेन कर रही हूँ। कास्ट आयरन में यदि आप परचेज करते हैं तो जहां पर आपको सेल में ऑफ मिल रहा है, जहां पे आपको बजट आपका परफेक्ट है, बजट सूट कर रहा हो आपको, आप वहां से ले सकते हैं। कास्ट आयरन सब सेम ही है, अगर क्वालिटी कास्ट आयरन है ओरिजिनल तो वो फिर कास्ट आयरन सभी है, किसी का ब्रांड का नेम इन बर्तनों पे नहीं है मेरे पास, इसलिए मतलब आप खरीदोगे ब्रांड से लेकिन उनका लोगो नहीं रहता, उसमें मार्क नहीं रहता, ट्रेडमार्क नहीं है। तो मेरी कुछ फ्रेंड्स ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने सिटी से, लोकल मार्केट से लिया है डोसा तवा, कास्ट आयरन कढ़ाई और कास्ट आयरन के कई सारे बर्तन, लेकिन उनमें कहीं पर भी नाम नहीं है, उनको प्राइस लेस मिला है और वो उनको बहुत आराम से यूज कर रहे हैं, बहुत अच्छे से यूज कर रहे हैं। तो जितना मैं यूज कर रही हूँ उतना ही वो लोग भी यूज कर रहे हैं, और उन्होंने मुझे बताया कि मतलब प्राइस कम मिला उनको और उन्होंने चीज अच्छी ले ली। तो ऐसा नहीं है कि आप क्या चीज लो क्या चीज नहीं लो, कास्ट आयरन कुकवेयर आपको लेना है तो साइज आपको जो चाहिए आप साइज सेलेक्ट करो। जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया ये 8 इंच कढ़ाई है, ये 10 इंच कढ़ाई है सुपर स्मूथ वाली, और ये वाली 2.5 लीटर है, और ये कढ़ाई मेरी 3 लीटर की है ना, बड़ी सी भंडारे वाली सब्जी के हिसाब से। तो कास्ट आयरन सेलेक्ट करते वक्त फर्स्ट आपको ये चेक करना है कि आपको साइज कौन सा चाहिए, साइज चेक करने के बाद आपको अपना बजट चेक करना है, फिर जो आपको सही लगे, क्योंकि आप देखेंगे कि ऑनलाइन में भी कई सारे रेट होते हैं, रेंज चेंज होती रहती हैं, और फेस्टिवल सीजन है तो आपको जरूर कहीं ना कोई ऑफ और सेल होगा तो ले। फैट डोसा तवा, ये नॉर्मल डोसा तवा का स्टाइलन डोसा तवा, बट नॉट फ्लैट, लेकिन दोनों में मुझे प्रॉब्लम होती है। इन दोनों कास्ट आयरन तवा होने के बावजूद मैं ज्यादातर प्रेफर करती हूँ नॉन स्टिक वाला उठा लेती हूँ। क्यों? जब मैं बड़े शौक से इतनी मेहनत करके सारी तैयारी करती हूँ डोसे की, बैटर की, कि परफेक्ट डोसा बने, जब मैं इसमें बनाती हूँ तो इसका शेप देखो, नोटिस करो, बीच में डीप है हल्का सा शेप, साइड में मैंने बैटर डाला, स्प्रेड किया, फैल गया। अब निकालने की जब बारी आती है तो सेंटर वाला जो है ना, ये चिपक जाता है डोसा बीच में, और साइड्स पूरी निकल जाती हैं, साइड्स खुल जाती हैं, बीच में चिपका है। फिर उसको जैसे स्क्रैच करके निकालती हूँ तो वो फर्क आ जाता है, शेप बिगड़ जाती है, या तो खुल जाता है, फट जाता है, चिपक जाता है आधा, वो फिर मजा नहीं आता। फिर मैंने ये वाला लिया,
फ्लैट देख करके कि अरे वाह ये तो फ्लैट है, फ्लैट में तो बढ़िया एक जैसा बनेगा, इसमें एकदम सुपर स्मूथ फ्लैट डोसा फैल जाता है। इसमें आप उत्तपम, पराठे, चीले और थाली पीठ सब बना सकते हैं। मैं बनाती हूँ इसमें, जब इसमें पूरा डोसा फैल जाता है, जब मैं उसको निकालती हूँ तो निकलना भी शुरू हो जाता है, पलटती हूँ जैसे ही तो देखती हूँ कि एक साइड से वाइट वाइट सा है, यानी कि लाइट ब्राउन है, एक साइड अच्छा कलर आया है। और डोसा वही अच्छा लगता है हमको जो पूरा एक जैसा कलर दे। क्या रीजन है? शुरू में मुझे लगा शायद मेरी गैस की फ्लेम में फर्क है, एक साइड ज्यादा हो रही होगी, एक साइड कम हो रही होगी, फिर दो चार बार हो गया, चार छह बार हो गया, हर बार यही होता है। फिर मैंने समझा कि कमी इनमें ही है। अब चाहे जैसा भी हो, मतलब हमें यहाँ से फ्लैट बराबर दिख रहा है, वो क्या कारण है कि एक साइड से, और जिस साइड से तेज होती है मतलब डार्क होता है, अगर हम दूसरी साइड को वेट करते हैं कि थोड़ा और सिक जाए फिर हम पलटेंगे, तो आधा सा ज्यादा डार्क हो जाता है, जलना सा जाता है, टेस्ट खराब हो जाता है। जो लाइट, जो परफेक्ट ब्राउन कलर मुझे चाहिए टेक्सचर, उसके हिसाब से जब मैं पलटती हूँ तो एक साइड तो ब्राउन होता है, आधा में लाइट ब्राउन रहता है, अच्छा सिकता नहीं है। तो ये सब चीजें आप कितना भी देखेंगे तो भी कभी ना कभी कुछ ना कुछ इश्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं ऐसा बता रही हूँ। क्योंकि ऐसा नहीं कि आप ऑनलाइन लेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, या हो सकती है, या आप मार्केट से ले रहे हैं, क्या देख के लोगे, कितना अच्छा तो सब कुछ है। तो वो करते करते कई बार कुछ चीजें होती हैं कुकिंग में कि जब हम करते हैं ना तब हमें चीजें समझ में आती हैं, हमारी खुद की कमियां गलतियां समझ में आती हैं, फिर हम उसके हिसाब से ही आगे आगे कुछ सीखते चले जाते हैं। फिर फ्लेम कैसे करनी है, कैसे रखना है, थाली पीठ वगैरह बहुत अच्छा बनता है इसमें, पराठे वगैरह बहुत अच्छे बनते हैं, आप कुछ भी बनाओ सब अच्छा बनता है। और फिर ये है फ्राइंग पैन। फ्राइंग पैन के बहुत सारे यूज हैं, थोड़ी सी सब्जी बनानी है, चटनी छौंकनी है, जैसे तड़का लगाना है, दाल फ्राई करनी है, बेस्ट है। यहाँ तक कि इसमें मूंगलेट वगैरह बहुत बढ़िया बनता है, जैसे कि वो जो बैटर करके डोसे का करके मूंगलेट बनाना हो, थोड़े से बच्चों को टिफिन के लिए कुछ भी तैयार करना है, झट से तैयार कर लिया, सब्जी वगैरह छौंकनी है, तो ये काफी अच्छा यूज करता है और ये भी सुपर स्मूथ है। हाँ, दूसरा मुझसे बहुत सवाल किए जाते हैं कि कास्ट आयरन की जैसे मैं यूज कर रही हूँ तो कमेंट आता है क्या ये हैंडल गर्म हो जाता है। जितना भी है कुकवेयर कास्ट आयरन सब गैस में यूज करते हैं तो गर्म हो जाता है, अच्छा खासा गर्म हो जाता है। क्या कुकिंग करते वक्त हैंडल पकड़ लोगे तो आपका हाथ जल जाएगा, पूरी बॉडी हीट होती है, पूरी हैंडल्स भी, ये भी वो भी, तो ये खूब तेज गर्म हो जाते हैं। दूसरा, अब जो ये फ्लैट वाले आ रहे हैं ना कास्ट आयरन, ये सारे के सारे कुकवेयर इंडक्शन यूज होते हैं। मेरे इंडक्शन फ्राइंग पैन के बहुत सारे यूज हैं, थोड़ी सी सब्जी बनानी है, चटनी छौंकनी है, जैसे तड़का लगाना है, दाल फ्राई करनी है, बेस्ट है। यहाँ तक कि इसमें मूंगलेट वगैरह बहुत बढ़िया बनता है, जैसे कि वो जो बैटर करके डोसे का करके मूंगलेट बनाना हो, थोड़े से बच्चों को टिफिन के लिए कुछ भी तैयार करना है, झट से तैयार कर लिया, सब्जी वगैरह छौंकनी है, तो ये काफी अच्छा यूज करता है और ये भी सुपर स्मूथ है। हाँ, दूसरा मुझसे बहुत सवाल किए जाते हैं कि कास्ट आयरन की जैसे मैं यूज कर रही हूँ तो कमेंट आता है क्या ये हैंडल गर्म हो जाता है। जितना भी है कुकवेयर कास्ट आयरन सब गैस में यूज करते हैं तो गर्म हो जाता है, अच्छा खासा गर्म हो जाता है। क्या कुकिंग करते वक्त हैंडल पकड़ लोगे तो आपका हाथ जल जाएगा, पूरी बॉडी हीट होती है, पूरी हैंडल्स भी, ये भी वो भी, तो ये खूब तेज गर्म हो जाते हैं। दूसरा, अब जो ये फ्लैट वाले आ रहे हैं ना कास्ट आयरन, ये सारे के सारे कुकवेयर इंडक्शन यूज होते हैं। मेरे इंडक्शन में मेरे सारे कुकवेयर यूज होते हैं, जितने भी फ्लैट बॉटम है मेरे पास, इंडक्शन बजाज का है, और बजाज का जो है या जो भी है, आजकल जो ये फ्लैट बॉटम वाले आते हैं ना, जैसे कि मेरा ये भी इंडक्शन, ये वाली कढ़ाई भी इंडक्शन में यूज होती है क्योंकि ये फ्लैट है, ये कढ़ाई इंडक्शन में यूज नहीं होती है क्योंकि ये गोल है। जो फ्लैट बॉटम है कुकवेयर, वो सारे कुकवेयर इंडक्शन में यूज होते हैं, इसलिए इंडक्शन में यूज होते हैं। दूसरा, मैंने अभी आपको रिप्लाई किया कि सारे बर्तन गर्म हो जाते हैं, ये भी गर्म हो जाता है हैंडल कढ़ाई के, ये
डोसा तवा का हैंडल पूछा जाता है कि क्या ये गर्म हो जाता है, जैसे कि अब मुझे लग रहा है एक साइड ज्यादा सिक रहा है एक साइड कम सिक रहा है, तो मैं इसको घुमा दूं ना, जैसे ही मैं इसको घुमाने की कोशिश करूं इसको पकड़ नहीं सकते, सारे हैंडल गर्म हो जाते हैं। एक सवाल होता है कि क्या ये बहुत वजनी है, इनमें बहुत वेट है, बहुत वेट है, सारे के सारे बहुत वजनी है। कास्ट आयरन कोई भी बर्तन आप लेंगे कहीं से भी लेंगे, वेट है उनमें, वजनदार हैं, और होना भी चाहिए। आप लो तो भी आप वजनदार ही लो, हल्का बर्तन मत लेना। लोहे का कोई भी हल्का बर्तन सही नहीं रहता है, वो जल्दी जलने लगेगा, इसलिए हमेशा देख करके भी लेते हैं तो हैवी लेते हैं, और ऑब्वियसली सब खूब हैवी हैं ये सारे। ये जो ग्रिल पैन है ना, डबल हैंडल है, डबल हैंडल भी आते हैं ग्रिल पैन, सिंगल हैंडल भी आते हैं। अब आपको देखो कि मार्केट में वन हैंडल आते हैं सिंगल, वो भी अच्छे होते हैं, ये भी अच्छे होते हैं। मुझे इसमें बहुत अच्छी चीज लगी ग्रिल करने के लिए, बहुत ही बढ़िया है। एक तो कुछ जलने वलने का झंझट नहीं होता है, मेंटेन करना आसान होता है, और इसमें जब हम ग्रिल करते हैं ना तो क्रस्ट बहुत बढ़िया आता है, मतलब बहुत ही बढ़िया क्रस्ट आता है। जैसे सैंडविच ही सिंपल ले लो, आप इसमें सेकते हो ना तो बहुत करारी करारी सी हो जाती है ब्रेड टोस्ट, आप नॉर्मल तवे पे करोगे ना तो उतना करारापन नहीं आता। आप यूज करोगे तब आपको समझ में आएगी कोई चीज। तो ये हैवी है ना, बहुत भारी है, और जितना भारी होगा वो एक बार गर्म हो जाता है, हीट पकड़ लिया कि फिर वो मेंटेन रहता है, काफी देर तक रहता है, तो फिर चीजें अच्छी सिकती हैं। आप लो फ्लेम पर भी चीजों जो भी कुकिंग कर रहे हैं उसको अच्छे से सेक सकते हैं, अच्छा पकता है इसमें। तो ये कुकिंग के लिए तो कास्ट आयरन बहुत बढ़िया है, बाकी जो मैंने आपको बताया। अब एक मोस्ट ये जो है क्वेरी होती है कि इसको मेंटेन कैसे करना। आप इसको नॉर्मल जैसे किचन में यूटेंसिल्स वॉश करते हैं वैसे आपने वॉश कर लिया। इसके बाद आपको दो तरीके होते हैं, एक तो धुलने के बाद कपड़े से रगड़ के अच्छा पोंछना है, दूसरा जब आपने पोंछ लिया फिर भी थोड़ा मॉइस्चर रहता ही है बर्तनों में ना, और खासकर लोहे के बर्तन नमी रहती है, ठंडे रहते हैं, तो फिर आपको गैस में रख करके उसे गर्म करना है। बर्तन धुलने के बाद आप कुछ सेकंड के लिए गैस पे रख दो बर्तन जो भी आपने धुला है, एक बार वो कुछ ही मिनट या सेकंड्स में गर्म हो जाएगा, गैस बंद कर देनी है, तो जो पानी है वो पूरा अच्छे से सूख जाएगा। फिर उसके बाद आपको करना क्या है, रखना है जब बर्तन को तो थोड़ा सा सरसों का तेल या कोई भी कुकिंग ऑयल जो भी आप यूज करते हैं, ऐसे दो बूंद तेल डाला और फिर कपड़े से उसको पूरे में फैला देना है और पोंछ लेना है। कभी भी तेल लगा के ऐसे छोड़ना नहीं है, पूरे को पोंछ लेना है। इससे क्या होगा, पूरा आपका जो भी लोहे का बर्तन है सीजन हो जाएगा। इसी तरीके से ये देखो, बस इसे हल्का हल्का सा आपको ऐसे कपड़े से ही पूरा पोंछ देना है, और ये प्री सीजन्ड ही है बर्तन जो भी है कुकवेयर मेरे पास तो। लेकिन इनको यूज करने के बाद भी अगर आप हमेशा इस तरीके से सीजन करते रहेंगे ना तो वो बहुत ही बढ़िया मेंटेन रहते हैं, इसलिए इनको मेंटेन करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती। लेकिन याद रखिएगा, धुलने के बाद कपड़े से अच्छे से पोंछना और ऑयल से ग्रीस करना ये सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट है इसको मेंटेन करने के लिए। अगर आप नहीं करेंगे ना तो रस्ट पकड़ लेगा, मतलब इसमें जो है जंग के निशान लग जाएंगे, इसलिए जंग से बचाने के लिए ही हम इसमें ऑयलिंग करते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि मुझसे इस कढ़ाई की लिंक बहुत मांगी जाती है, एक्चुअली जहां से मैंने ये कढ़ाई ली है उनसे मैंने डायरेक्टली बात की है, उनके पास अब ये कढ़ाई नहीं है स्टॉक में, आज से नहीं है, काफी दिनों से नहीं है, और उन्होंने ये भी बताया कि फिलहाल अभी हमारे पास नहीं आने वाला है, यानी कि ये स्टार्टिंग लॉन्च थी उनके, तो ये तब मिली थी एक साल पहले, अब इस कढ़ाई को वो कह रहे हैं कि हमारे पास नहीं है और ना आएगी, तो इसलिए इसकी लिंक नहीं है। बाकी जितना भी कुकवेयर मैंने आज आपके साथ शेयर किया है इनमें से मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूंगी, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगी, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं वरना। लेकिन ये कढ़ाई की बहुत डिमांड होती है तो इसलिए मैंने आज बताया है कि इसकी लिंक नहीं है, लेकिन इस तरीके की सेम कढ़ाई आपको और जगह मिल सकती है तो आप ले सकते हैं। मुझे एक दिन कमेंट भी आया था, किसी ने बताया कि मैम मैंने आपकी जैसी कढ़ाई ली है लेकिन उन्होंने दूसरे ब्रांड से ली है, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि इसमें कोई पर्टिकुलर ब्रांड का कुछ ऐसा नहीं है, अगर आपको कोई चीज चाहिए वो आपको कहीं और मिल रही है तो आप ले सकते हैं।
अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी हमारे वीडियो शेयर करें। आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर हेल्पफुल होगा। आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।